नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल फन स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम पद्यांश नंबर 3 दोहा लेकर के आए हैं, धनुष भंग, जो तुलसीदास जी द्वारा रचित है। पहला दोहा और दूसरी जो चौपाई थी उसको मैंने पढ़ा दिया था अच्छे से। आज तीसरा नंबर दोहा है, फिर आगे चौपाई है, उसको मैं बताने वाला हूँ। करा राम ही प्रेम समेत लखी, सखिन समीप बुलाए, सीता मातु स्नेह बस बचन कहें बिलखाए। करा राम ही, राम ही मतलब होता है राम को, प्रेम मतलब प्रेम के साथ, समेत मतलब साथ, लखी माने देखकर, प्रेम को मतलब राम को प्रेम के साथ देखकर, लखी माने देखकर, सखिन मतलब सखियों को समीप बुलाए, पास बुलाती हैं। सीता मातु स्नेह बस, सीता जी की माता स्नेह बस मतलब प्यार के बस में हो करके सखियों को सीता माता राम को प्रेम के साथ देख करके और स्नेह के बस हो करके अपनी सखियों को पास बुलाती हैं और बचन कहें बिलखाए और रोते हुए बोलती हैं। क्या बोलती हैं सुनिएगा, चौपाई में कहा गया है अब कि सखी सब कौतुक देखिन हारे, ज्यों कहावत ही तू हमारे, को न बुझाई कहें गुर पाही, ये बालक असी हट भल नाही। कहती हैं कि हे सखी, सब मतलब सब, कौतुक मतलब मदारी की तरह, देख निहारे देख करके देखते हैं, मतलब सब इसे मदारी की तरह या मजाक की तरह देख रहे हैं। ज्यों कहावत हितु हमारे, जो लोग हमारे हित कहलाते हैं वो सब ये क्या हो रहे हैं, एक कौतुक की तरह उसे देख रहे हैं। और कह रहा है को न बुझाए, को मतलब कोई भी नहीं, बुझाए मतलब समझाता है। अब अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है, अगर काव्यगत सौंदर्य पूछेगा तो इसमें लिख देना, क्योंकि तुलसीदास जी ने अपनी रामचरितमानस में अवधी भाषा का तो बुझाए उझाए वही सब प्रयोग होता है। तो कह रहे को न बुझाए, कोई नहीं समझाता है, कहें गुरु पाही मतलब गुरु वशिष्ठ को कोई जाकर के उनके पैरों में पड़ करके कोई उन्हें समझाता नहीं है कि ये बालक असि हट भले नाही, ये छोटे जो बालक हैं इनकी जो हट है जिद है ये भली मतलब अच्छी नाही मतलब नहीं है, मतलब कोई भी गुरु वशिष्ठ को के पास जा कर के उनको नहीं समझाता है कि ये छोटे बालक की जो जिद है वो अच्छी नहीं है। फिर कहती हैं रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप कर दापा, सो धन राज कुंवर कर देही, बाल मराल की मंदर ले ही। फिर क्या कह रही हैं कि रावण के द्वारा बाण छुआ नहीं गया और चापा मतलब उसे तोड़ा नहीं जा सका या चाप को उठाया ना जा सका, और हारे मतलब हार गए, सकल मतलब संपूर्ण, भूप माने राजा, करी मतलब करके, दापा माने अहंकार, रावण के द्वारा न बाण को छुआ गया और न उस पर चाप चढ़ाया जा सका और संपूर्ण विश्व के संपूर्ण जगत के जो राजा थे वो अहंकार कर करके हार गए। सोधन राज कुंवर कर दे ही, सो माने वह या इस वही, धन माने धनुष, राज कुंवर मतलब ये राज कुंवर को इसमें दिया गया है भगवान श्री राम की संज्ञा, तो ये वही धनुष, अब राज कुंवर कर माने हाथ दे ही मतलब दे दिया गया, वो धनुष भगवान श्री राम या राज कुंवर के हाथ में इन दे दिया गया। और बाल मराल की मंदर ले ही, कह रहा है बाल मतलब छोटा, मराल मतलब क्या होता है, मराल मतलब एक पर्वत है, कि मंदर ले ही, क्या छोटा पर्वत कोई मतलब मंदर उठा सकता है, या मतलब जो हाँ छोटा मराल मंदर उठा, मतलब मंदर मंदर एक पर्वत है, छोटा बाल मराल मतलब होता है हंस, तो छोटा क्या छोटा सा हंस बड़े से पर्वत को उठा सकता है या मंदर रूपी पर्वत उठा सकता है।
अब इसमें बाल मराल की संज्ञा किसे दी गई है, भगवान श्री राम की, और मंदर की संज्ञा धनुष से की गई है। कहती हैं कि क्या छोटा सा हंस बड़े से पर्वत मंदर पर्वत को उठा सकता है। और भूप सयानप सकल सिरानी, भूप मतलब राजा, सयानप मतलब उनकी समझदारी, सकल मतलब सभी, सिरानी मतलब नष्ट हो गई, जितने राजा थे उनकी सारी जो क्या थी समझदारी थी वो नष्ट हो गई। और सख विधि गति कछु जात न जानी, हे सखी विधि की गति जो है उससे जानी नहीं जा सकती। हे सखी ये जो विधि है ब्रह्मा की द्वारा लिखी है उसकी गति कुछ जानी नहीं जा सकती। फिर क्या होता है, फिर बोली चतुर सखी मृदुवानी, तेजवंत लघु गणो नरानी, कहाँ कम कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, सो सो सुजस सकल संसारा, रवि मंडल देखत लघु लागा, उदयतासु त्रिभुवन रा तम भागा। फिर उनकी एक सखी होती है वो बोलती है कि बोली चतुर सखी मृदुवानी, उसमें से एक चतुर सखी मृदु मतलब बहुत कोमल स्वर में बोलती है कि हे रानी तेजवंत लघु गणो न रानी, ये जो बालक हैं ये बहुत तेजवंत हैं। क्या हैं, एक चतुर सखी बहुत सुरीली आवाज़ में बोलती है या मृदु कोमल वाणी से बोलती है कि हे सखी इनको लघु मतलब छोटा मत गिनो, ये बहुत तेजवंत हैं, बहुत प्रतापी हैं। फिर कहती है उनको समझाती है, जैसे वो उदाहरण दिया कि क्या नाम है बाल मराल की मंदर ले ही क्या छोटा हंस बड़े पर्वत को उठा सकता है, वैसे उसकी सखी भी उनको उदाहरण देती है कि कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा। कुंभज मतलब कह रहा कहाँ मतलब कहाँ, कुंभज मतलब अगस्त ऋषि, कुंभज जैसे जल जल में जन्म लेने वाला, ऐसे कुंभज कुंभ मतलब घड़े, जा माने जन्म लेने वाला, और घड़े में जन्म लेने वाले कौन थे, अगस्त ऋषि थे। फिर कहती हैं कि कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु पारा, मतलब कहाँ कुंभज मतलब अगस्त ऋषि, और कहाँ समुद्र बड़ा अपारा मतलब बड़ा समुद्र, सो से सुजस सकल संसारा, उसने पूरे सकल संसार के समुद्र को सोख लिया था। मतलब अगस्त ऋषि कहाँ इतने छोटे मतलब थे और वो पूरे विश्व के समुद्र को सोख लिए थे। और कह रहा रवि मंडल देखत लघु लागा, रवि मतलब सूर्य, मंडल मतलब आकाश में, देखत मतलब देखती हो, लघु मतलब छोटा, लागा माने दिखाई देता है। क्या सूर्य को आकाश में देखती हो कितना छोटा दिखाई देता है, लेकिन उदय तासु त्रिभुवन तम भागा, लेकिन उसके उदय होते ही त्रिभुवन मतलब तीनों लोकों में, तम मतलब अंधकार या अंधेरा, भागा मतलब भाग जाता है। फिर कहती हैं कि क्या सूर्य को मंडल आकाश में देखती हो कितना छोटा दिखाई देता है, लेकिन उसके उदय होते ही तीनों लोकों से जो अंधकार होता है वो भाग जाता है, इसीलिए तुम इन्हें छोटा समझ करके इनको ना गिनो या छोटा ना गिनो, ये बहुत तेजवंत है। तो आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ कि आप इसे नोट्स बनाते होंगे, संधि पढ़ा चुके हैं, बढ़िया से देख लेना वीडियो, विकास सर की जो वीडियो जा रही है उसको भी देख लेना, क्योंकि आपके जो इंटरमीडिएट और हाई स्कूल के बच्चे हैं उनके जीएस मतलब सामाजिक विषय में बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला चीज़ है, क्योंकि मैप से 10 क्वेश्चन आते हैं, अगर चीज़ें पता नहीं होगी तो मैप में दर्शा नहीं सकते। और अभिनव सर की जो केमिस्ट्री की क्लास आ रही है उसको तो ज़रूर देखिए, क्योंकि वो तो आपके सिलेबस से ही है। धन्यवाद।